नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह माना जाता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रहों में से एक है। अब आने वाले 4 मई 2021 को दोपहर 1:09 पर शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है, जो 28 मई 2021 दिन में 11:44 तक इसी राशि में बने रहेंगे। इसके बाद यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में शुक्र की इस गोचर अवधि के दौरान वाणी में आकर्षण और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रदान होगा। लोगों में उच्च विश्लेषणात्मक दृष्टि और तार्किक बुद्धि होगी। सुंदर और रचनात्मक चीजों के प्रति लोगों का आकर्षण देखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। शुक्र वह ग्रह है जो स्त्रैण गुणों का प्रतीक माना जाता है और प्रेम, सौंदर्य, विवाह, संतोष और विलासिता को भी दर्शाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनके मुख्य गुण जीवन, मनोरंजन और आनंद के साथ अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने में भी है। शुक्र ग्रह जीवन के कई पहलुओं पर असर डालते हैं। अन्य लोगों के बारे में आपकी भावनाएं और आपकी धारणाएं को भी यह प्रभावित करती हैं। किसी भी कुंडली में मजबूत शुक्र ही सुनिश्चित करते हैं व्यक्ति के जीवन में विलासिता और भौतिकवादी सुखों का अनुभव कैसा रहेगा। हालांकि कमजोर शुक्र रिश्तों में असफलता, वैवाहिक कलह, आंखों से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। तो जो यह शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है, वह हमारे 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दौरान वह अपनी ही राशि यानी द्वितीय भाव में स्थित राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह धन और आर्थिक मजबूती आपकी जिंदगी में लाएंगे और इस बीच में आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि यह परिवार और धन का भाव है। हालांकि इस बीच में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम होगा। हालांकि इस समय में आपको ठंडे पेय पदार्थ से बचना होगा। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गणेश भगवान को चावल अर्पित करें। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर काल की अवधि में वह आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव आत्मा, मानसिक क्षमताओं और सांसारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह गोचर आपके जीवन में नाम, प्रसिद्धि लेकर आएगा। सामाजिक दायरे में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप कुशल, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाएंगे। यह समय आपके लिए एक उत्तम समय साबित होगा। अगर आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। हाँ, इस समय आपको स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना है। कुछ छोटी मोटी बीमारियां इस समय में आपको हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में ओपल रत्न धारण करें। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और यह विदेश यात्रा, व्यय, हानि और मानसिक स्वास्थ्य के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर समय आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है। आपके शादीशुदा जीवन में भी कुछ उलझनें आ सकती हैं। इस समय दौरान आपको साधना और ध्यान के लिए थोड़ा समय निकालना अत्यंत जरूरी रहेगा।
शुक्र की इस गोचर की वजह से इस समय अवधि में आप आलसी हो सकते हैं। विदेश से जुड़े लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेश में व्यापार करने वाले लोगों को, उन लोगों के लिए यह गोचर अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपके साथी के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इस समय में आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा इस समय अवधि में आपका जो धन खर्च होगा वह विलासिता और सुख सुविधाओं के सामानों में इस समय आपका धन खर्च होगा। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके 11th भाव में गोचर करेंगे। यह भाव आय और लाभ का भाव कहा जाता है। इस समय अवधि में आप राजनीतिक संबंधों में मजबूती लेकर आएंगे। इसके अलावा सांसारिक मामलों में भी इस समय आपकी रुचि देखी जाएगी। इस समय दौरान आपका मित्र मंडल का भी विस्तार होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको आर्थिक मामलों में भी लाभ प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कामों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 10वें और 3रे भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान गोचरी स्थिति में यह आपके करियर, प्रसिद्धि और सामाजिक स्थिति के 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दशम भाव में शुक्र का गोचर आपके करियर के सफलता के संबंध में अहम भूमिका निभाएगा और आपको एक नई पहचान देगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में भी मजबूती लेकर आएंगे। आपको वित्तीय स्थिरता भी इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। आप अपने संचार और कौशल में भी इस बीच में सुधार करेंगे। आपके घर में कोई शुभ कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए और शुक्र की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र 9वें और 2रे भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि में शुक्र के गोचर के दौरान वह आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर की वजह से आपको भाग्य का साथ भी इस बीच में देखने को मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको लंबी यात्राओं में पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस गोचर की अवधि में आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं। करियर में वित्तीय मोर्चा भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बीच में पदोन्नति और स्थानांतरण के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर काल को और शुभ बनाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि की जातकों के लिए शुक्र 8वें और 1ले भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में यह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि विरासत, मनोगत विज्ञान और लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव में शुक्र की गोचर से जातक का झुकाव गूढ़ विज्ञान की ओर होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ की आसार नजर दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर पैतृक संपत्ति पर विवाद चल रहा था तो इस समय दौरान वह रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। इस समय दौरान आपकी कोई संपत्ति खरीदने की भी योजना बन सकती है। इस गोचर को और अधिक शुभ बनाने के लिए शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके 7th भाव में होने जा रहा है। यह भाव विवाह, साझेदारी और दीर्घकालिक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। 7th भाव में शुक्र का गोचर प्रेम विवाह में कुछ बाधाएं लेकर आएगा। इस गोचर काल के दौरान आप कार्य क्षेत्र में अपनी संचार शक्ति में वृद्धि देखेंगे। व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर
आपकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह एक बहुत अच्छी अवधि है। जो व्यवसायी आयात निर्यात के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर लाभ की स्थिति लेकर आएगा। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुबेर मंत्र का जाप करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दौरान वह आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। यह भाव स्वास्थ्य, काम और दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर रिश्तों में झगड़े और बहस पैदा कर सकता है। इस समय दौरान आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी पेशा जुड़े लोगों के लिए नौकरी में बदलाव करने का आप विचार बना सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि आपके निजी खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे जातकों के लिए यह गोचर अच्छे परिणाम लेकर आएगा। भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन चीनी और चावल का दान करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र पांचवे और दसवें भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान गोचरी स्थिति में यह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह भाव प्रेम संबंधों, अवकाश, आनंद, संतान, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। अपने स्वास्थ्य पर और प्रेम जीवन पर इस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। स्त्री जातकों के लिए पांचवे भाव में शुक्र का गोचर गर्भ धारण करने और स्वस्थ सुंदर बच्चे के पैदा होने के लिए अच्छी संभावना बनाता है। कुछ शिक्षा के संबंध में इस दौरान आप नए प्रयास कर सकते हैं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए वित्तीय लाभ की स्थिति लेकर आएगा। आप वित्तीय मोर्चे पर एक आरामदायक स्थिति में रहेंगे। शुक्र का यह गोचर उन जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा जो एक से अधिक व्यवसाय करते हैं। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन खीर और चावल का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव से आपके परिवार संबंधों, संपत्ति, ग्रह जीवन और माँ के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएगा। इस राशि के जातकों के लोग घर को सजाने और पुनर्निर्मित करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव की स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य भी संतोषजनक रहेगा। साथ ही पेशेवर मोर्चे पर आपके रचनात्मक क्षमताओं में भी वृद्धि देखी जाएगी। आप अतीत में किसी संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रहे थे तो इस अवधि के दौरान उसमें निवेश आपको अधिक लाभ दिलाएगा। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए और शुक्र की कृपा के लिए शुक्रवार के दिन छह मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दौरान वह आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव संचार और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा। आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मजबूती देखी जाएगी। इस अवधि में आप वित्तीय मामलों में भाग्यशाली रहेंगे और अगर आप संगीत, कला और नाटक के क्षेत्रों से संबंधित हैं तो इस गोचर की अवधि में आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय दौरान आपको अपने बातों को सोच समझकर बोलना है, अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना है। यह आपके लिए अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अपने सहकर्मियों से निर्भर होना पड़ेगा। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में सफेद मिठाई चढ़ाएं। तो यह था शुक्र ग्रह का गोचर जो वृषभ राशि में होने जा रहा है। इसका हमारे जो 12 राशि हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।